हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है ये होने वाला है कार की लाइट्स के ऊपर। और ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि मेरी ही तरह कई सारे लोगों को नाइट ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको कुछ सामने ज़्यादा दिखाई नहीं देता है और कार की जो स्टॉक हेडलाइट्स होती है वो जब कार नहीं होती है तब तो काफ़ी अच्छा आउटपुट देती हैं, लेकिन जैसे जैसे पुरानी होने लगती है उनका आउटपुट भी नीचे होने लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग कार में जो है वो फॉग लाइट्स इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि मैं देहरादून में हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग होती है और स्टॉक हेडलाइट्स उनको ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाती हैं। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे एक फॉग लाइट्स मिली है जो कि है हेलाकी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स। तो उनका आउटपुट वैसे बताया गया कि काफ़ी अच्छा है, तो उसे इंस्टॉल करने के लिए हम जाने वाले हैं जोगीवाला में मोटो BHP कार एक्सेसरीज में। उसके जो ओनर हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे नोन हैं, तो मेरी उनसे बात ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं आज अपनी वैगनार लेके उनके पास जाऊंगा, अपनी कार में प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स लगाऊंगा हेला की, और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसा उनका आउटपुट है, कितना ब्राइटनेस है उसका, सब आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप करें। तो चलिए चलते हैं हम जोगीवाला। और ये हम जोगीवाला पहुंच चुके हैं, और हमको एक्चुअली मोटो BHP कार एक्सेसरीज में जाना था, बट ड्यू टू सम रीज़न हम अंदर नहीं जा पाए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं वो एक्चुअली रीज़न क्या था। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पे नाली बन रही है जिसकी वजह से एंट्री ब्लॉक्ड है। तो हमने अपनी कार बगल वाले प्लॉट में खड़ी कर रखी है और सारा जो काम होगा वो वहीं पे होगा। तो अभी आपको बता दूं, ये शाम का टाइम हो रहा है जिससे कि मैं अपनी फॉग लैम्प लगाऊंगा तो उसका परफॉर्मेंस भी मैं चेक कर पाऊंगा, जिससे पता चल जाए कि फॉग लैम्प कैसी है, ब्राइटनेस कितनी है उसकी। तो इसीलिए ये टाइम पर मैं आया हूँ, सुबह नहीं आया। सुबह आता तो फिर से एक और बार चक्कर लगाना पड़ता, क्योंकि फिर उसके बाद जो बीम सेट करनी होती है उसकी ब्राइटनेस का मुझे पता नहीं चल पाता। तो ये टाइम सबसे बेस्ट रहता है, तो इसीलिए अब जाके चेक कर लेंगे। पहले इनसे बात कर लेते हैं, ओनर से, मोटो BHP के। तो अंदर जाने से पहले आपको एक बार ब्रीफली लोकेशन दिखा देता हूँ मोटो BHP की, कि कहाँ पे पड़ता है ये जोगीवाला में एग्जैक्टली। तो ये आप देख सकते हैं, और ये हम पहुँच चुके हैं मोटो BHP कार एक्सेसरीज में। तो चलिए जाके ओनर से बात कर लेते हैं एक बार। हेलो विंची भाई, क्या हाल है? हेलो आशीष भाई, कैसे हो? बस ठीक ठाक। गाड़ी का है? गाड़ी यहीं खड़ी कर रखी है। तो ये है हेलाकी प्रोजेक्टर फॉगलाइट्स जो कि हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी कार में। तो थोड़ा सा अंधेरा होने का इंतजार करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं ये लाइट्स को। तो ये भाई आ चुके हैं कार के पास हाथ में प्रोजेक्टर लाइट लेके, और ये इस तरफ से निकल गया। तो अब इस साइड का स्क्रू खोल रहा है भाई, अब ये साइड का स्क्रू खोलने के बाद बम्पर पूरा ही बाहर आ जाएगा। ये बम्पर पूरा खुल चुका है, तो ये डायरेक्ट फिट हो जाएगा। इसको बाद में एडजस्टमेंट भी कर सकते हो ऊपर नीचे। चलो ठीक है। ये रहा पुराना वाला जो मैंने पहले लगा रखा था अपनी फॉग लाइट में, और ये प्रोजेक्टर लाइट फिट तो हो गई है, लेकिन इसमें कपलर में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो प्रोजेक्टर लाइट में बल्ब है वो 9005 नंबर का है, और जो इस गाड़ी में लगा हुआ था वो H8 का लगा हुआ था। तो थोड़ा जुगाड़बाजी से भाई फिट कर रहा है। ये जैसा हॉर्न का कपलर है वैसा है, वही लगते हैं, पर ये छोटे थिम्बल है, वो बस में बड़े आते हैं। चलो कोई नहीं, काम करना चाहिए, बस चलेगा सब कुछ, काम प्रॉपर करेगा। ये गाड़ी में दोनों लाइटें लग चुकी हैं और भाई ये बम्पर फिट कर रहा है। तो जैसे ही हमारा बम्पर फिट हो जाता है उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है लाइट्स की। अब एक बार लाइट चालू करके देख लेते हैं, स्टार्ट करना। ये अपनी लाइट बंद करके आपको एक बार दिखा देते हैं फॉग लाइट्स कैसी है। मेन चालू करना, अब मेन ऑफ करना, फॉग लाइट ऑफ करना मेन चला के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेन लाइट से ज़्यादा लाइट जो है वो फॉग लाइट में आ रही है, ज़्यादा ब्राइटनेस फॉग लाइट की है।
और जो फॉग लाइट के बल्ब्स हैं वो 60 वाट के हैं और जो हेडलाइट के बल्ब हैं वो 100/90 वाट्स के हैं, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्टर, सामने से एक बार दिखा देते हैं कैसा लुक आ रहा है। ये है हमारे कारीगर मिथुन भाई, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर ऑफ मोटो BHP एक्सेसरीज। ये हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है फॉग लाइट लगने के बाद, तो अभी जरा ओनर से बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच विंची भाई। थैंक यू। और एक बार आप अपना एड्रेस भी बता दीजिए ताकि अगर कोई लगवाना चाहे कुछ भी एक्सेसरीज अपनी गाड़ी में तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके। भैया हमारा मोटो BHP कार एक्सेसरीज है नियर कैलाश हॉस्पिटल, सबसे बड़ा लैंडमार्क तो कैलाश हॉस्पिटल है जी, यहीं पे जोगीवाला पे, एंड बिसाइड राज बैंक्वेट, बगल में राज बैंक्वेट है हमारे। ठीक है, तो मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो इन्होंने गूगल पे लिस्टिंग कर रखी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और नंबर भी डाल दूंगा, अगर किसी को गाड़ी की कोई भी एक्सेसरीज डलानी है तो आप यहाँ से डला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। ओके, थैंक यू। अभी हम चल रहे हैं हाईवे पे और जैसे कि आप देख रहे हैं सामने अभी सिर्फ फॉग लाइट जल रही है, मेन लाइट नहीं जला रखी है मैंने। अब मैं मेन लाइट ऑन कर देता हूँ, ये मेन लाइट है, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि फॉग लाइट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू द हेडलाइट्स। ये देखिए, अब इसका पता चलेगा हमको जहाँ पे एकदम अंधेरा हो वहाँ पे भी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अभी सिर्फ फॉग लाइट चालू हैं। एक मिनट लाइट बंद करो, ये मेन हेडलाइट है, पूरी बंद करो, ये मैं पूरी ऑफ कर देता हूँ। अब फॉग लाइट ऑफ करके आपको सिर्फ दिखाता हूँ मेन कौन सी जल रही है कैसी। ये है मेन लाइट, और अब ऑन करता हूँ फॉग लाइट्स, ये तो फ्रेंड्स अब हम घर पहुंच चुके हैं। तो जो हमने प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स इंस्टॉल करी थी अपनी कार में उसकी ब्राइटनेस और आउटपुट तो आप देख ही चुके हो। तो फाइनली मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी कार की लाइट्स अपग्रेड करानी है तो सबसे पहले तो आप पता कर लीजिएगा कि RTO वहाँ पे अलाउ करता है या नहीं करता है, क्योंकि कई जगहों पे कुछ लाइट्स बैन होती हैं, जो HID या LED वगैरह होती हैं वो कई जगहों पे बैन होती हैं, तो इसीलिए अपग्रेड कराने से पहले हमेशा आप देख लीजिएगा ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको अपनी गाड़ी में लाइट्स अपग्रेड करानी होती हैं तो कई सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि LED में अपग्रेड करा देते हैं। नो डाउट LED की जो लाइट्स हैं वो ज़्यादा ब्राइट होती हैं, बट अगर फॉग क्लियर करने की बात है तो हैलोजन ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इसीलिए पहले अपना रीज़न देख लीजिए कि आपको अपग्रेड क्यों कराना है, उसके बाद आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। तो फाइनली मैं यही बात बोलना चाहूँगा आपको कि राइड सेफ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि आगे की जो वीडियोस हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।